मरने से क्या आप लोगों को डर लगता है और कैसा हो कि जब आपको पता चले कि मरने के बाद में आपकी हड्डियों के साथ में क्या होता है। गाइस 7 सितंबर को एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई है जवान, लेकिन इसी के साथ में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 के ऊपर भी एक मूवी रिलीज हुई है जिसे हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जिसकी मेन लीड कास्ट के अंदर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और इसका ट्रेलर गाइस बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग। मैंने जब हड्डी के ट्रेलर को पहली बार देखा था तो मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड हुई थी क्योंकि मेन लीड के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जिनकी एक्टिंग मैं सेक्रेट गेम से देखते भी आ रही हूँ। और मेरे हर वीडियो के अंदर ये मैंने जरूर कहा है कि अगर बेस्ट कोई वेब सीरीज मैं अगर काउंट करता हूँ उस लिस्ट के अंदर, सेक्रेट गेम्स में जरूर इंक्लूड करूंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, उन्हीं के ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है। मूवी ए रेटेड है, इसी के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, फैमिली के साथ देखने की बिल्कुल भी नहीं है। मूवी के अंदर काफी सारी अच्छी बातें और काफी सारी नेगेटिव चीजें भी है। मूवी के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, 3-3 घंटे का उनका मेकअप गया है। इसी के साथ में उन्होंने जितना अपने आप को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करी है, एक लड़की के अंदर ढालने की कोशिश करी है, उसके इमोशंस को जगाने की कोशिश करी है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन काम है। क्योंकि ट्रांसजेंडर की मूवी अभी अभी हाल ही में हमारे पास में 2 आ चुकी है, यानी कि प्रॉपर ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते हैं लेकिन ताली, जिसका पूरा फोकस सेम इसी टॉपिक पे था। इसी के साथ में ड्रीम गर्ल, यानी कि आयुष्मान खुराना भी लड़की बने थे, तो इसी रेस के अंदर भागना कोई आसान बात नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपने ऊपर। इसी के साथ में बात करी जाए अगर अनुराग कश्यप की, तो उनके कैरियर के लिए हमारे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं उन्हें एक विलन कंसिडर करती हूँ तो वो गाइस सच में बहुत ही शानदार विलन बन सकते हैं। उनके फेस के अंदर कुछ तो ऐसा है कि अगर उन्हें कोई बेस्ट स्टोरी मिले या फिर अगर उनकी कोरियोग्राफी करी जाए एक बेहतरीन विलन बनने के अंदर, तो वो बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं। हड्डी के अंदर उनका कैरेक्टर जिस तरीके से दिखाया गया था, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नॉर्मल से विलन है, मतलब इविल है, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा उभर के नहीं आया था। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, इसी के साथ में काफी ज्यादा ब्रूटल भी रहता है, यानी कि आपके सामने कई सारी चीजें ऐसी आएगी जिनके ऊपर आप बिलीव कर ही नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टर ने जो भी चीजें दिखाई है काफी ज्यादा सच्चाई वाली चीजें दिखाई है। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मूवी एक ऐसे पहलू पे चली जाती है जो कि हमारी नॉर्मल जिंदगी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, एक ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसके बारे में अगर हम सोचे भी तो भी डर लगने लग जाता है, यानी कि अगर हमारी डेथ हो गई है तो उसके बाद में हमारी बॉडी का क्या होगा। जी हाँ गाइस, हड्डी का जो मेन प्लॉट है वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर आपकी हड्डियों का करा क्या जाता है। एक बहुत बड़े ट्रैफिकिंग का रैकेट है और हड्डी यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए वो नाम दिया गया है क्योंकि वो हड्डियों की सफाई करते। तो सोच लीजिए गाइस, अगर इस चीज के ऊपर कोई मूवी बनाई जाएगी तो उसका डायरेक्शन, मूवी वगैरह कितनी परफेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इस मूवी के अंदर इन सारी चीजों की भर भर के कमी थी। सेकंड हाफ के अंदर मूवी का जो मेन प्लॉट था वो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया था वो काफी ज्यादा गड़बड़ था, यानी कि रिवेंज की स्टोरी जो बदलती गई थी, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आराम से अनुराग कश्यप को मार सकता था, लेकिन वो सारी चीजों को बेमतलब स्ट्रेच किया गया और आखिर के अंदर एक प्लॉट रिवील किया गया कि हड्डी कभी मर ही नहीं सकता, वो वापस से जिंदा हुआ इतने मरने के बाद में, फिर उसके बाद उसने अपना रिवेंज पूरा किया। ओवरऑल अगर गाइस मैं इसकी बात करूं तो हाँ, ये ओटीटी पे ही आने लायक मूवी थी। अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो शायद ही कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन के अलावा कोई इस मूवी को देखने के लिए जाता। अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस मूवी को Z5 पे वॉच कर सकते हैं। ये था गाइस मेरा इस मूवी को लेके ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा। पता है लोग हमसे क्यों डरते हैं? हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा श्राप बहुत भयावह और उससे भी भयावह। जानते हो क्या होता है? चीफ गेस्ट आने वाला नहीं। आ गई है।